दोस्तों स्वागत है आपका आज एक नए फूड व्लॉग में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं दिल्ली की फेमस मशहूर मट्ठी। मट्ठी बनाने के लिए हमने 2 कटोरी मैदे का प्रयोग किया है और इसको अच्छे से हमने चाल लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन और फिर कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी पड़ने से हमारी मट्ठी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। अब इसके अंदर हम लोग रगड़ के अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। क्या पड़ने वाला है? कस्तूरी मेथी थोड़ा और डाल दो। और क्या पड़ेगा इसमें? तेल में डाल के गूंदना है आटे को। तो दोस्तों आटे को तेल में डाल के अच्छे से इसे गूंदेंगे और तब मिक्स करेंगे आराम आराम से, ताकि हमारी मट्ठी बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी हो। अगर आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें तेल डाल के देखिए आराम आराम से इसे काफ़ी अच्छे से मस लेंगे। 2-3 मिनट तक आटे को मसलने के बाद अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से सान लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। दोस्तों यहाँ पर हमारा आटा सन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुका है तो अब हमने आग जला लिया है और अब इसके ऊपर हम लोग कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई दोस्तों हमारी गर्म हो चुकी है तो अब इसके अंदर हम लोग तेल डालेंगे। दोस्तों आज हम जो मट्ठी बनाने वाले हैं वो थोड़ी अलग स्टाइल में होगी, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है और खाने में तो और भी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम रोटी की तरह गोल शेप में बेल लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि और अच्छे से बेल सके। और अब देखिए दोस्तों इसे हम मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद एक बार और हम मोड़ेंगे ट्रायंगल शेप में। अब दोस्तों इसमें हम चम्मच से छेद छेद कर लेंगे दोनों साइड से और इसी तरीके से हम और सारी मट्ठी बना के तैयार करेंगे। ये दोस्तों एक अलग टाइप की मट्ठी होगी। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि इसकी अलग अलग लेयर निकल सके और इसे फोल्ड करेंगे और एक बार दोबारा से हम फोल्ड करेंगे पराठे की तरह। जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं सेम उसी शेप में इसे बनाना है और इसके अंदर खूब छेद कर देंगे। छेद करने से फूलता नहीं। छेद करने से ये काफ़ी अच्छा बनेगा। हमारी मटरी को जिसको हमने बना के तैयार कर रखा है बेल के, तो देखिए मटरी में काफ़ी अच्छा लेयर निकल कर आएगा और ये दिखने में समोसे जैसी लगेगी, काफ़ी मस्त और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। देखिए दोस्तों हमारा मट्ठी कितना फूला फूला बन रहा है, अभी से ही हल्का हल्का फूलने लगा है और इसे अगले 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे अच्छे से। दोस्तों देखिए हमारी मट्ठी बन चुकी है और एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और इसमें लेयर भी काफ़ी फूली फूली है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए दोस्तों मट्ठी हमारी कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है।
और लेयर देखिए दोस्तों कितना मस्त लग रहा है इसका। इसी तरीके से हम और भी जितनी भी मट्टी हमारी बन के तैयार हुई है सबको छान लेंगे। दोस्तों देखिए हमारी मट्टी बन के तैयार हो गई है और कितनी अच्छी इसमें लेयर भी आई है और दिखने में भी काफ़ी मस्त लग रही है और खाने में तो बहुत ही मस्त। दोस्तों इसे चाय के साथ खाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, वैसे बिना चाय के साथ भी हम इसे खा सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलेंगे आपसे किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।